संसद के पहले दिन मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया। नए संसद भवन में सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा के पटल में रखा। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत यही कदम उठाया जाता है, तो कानून मंत्री की तरफ से ये बिल लोकसभा के पटल पर पेश किया गया है। और कल बेहद महत्वपूर्ण यहां पर तस्वीर आएगी महिला आरक्षण विधेयक को लेकर, इस बिल को लेकर जब चर्चा की जाएगी, क्योंकि अब इसमें चर्चा होनी भी बाकी है। सरकार ने इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया है, यानी कि महिला आरक्षण बिल विधेयक का ये नाम, यहां पर सुनिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कानून मंत्री ने बिल पेश करने के दौरान जानकारी दी कि अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं और इस बिल के पेश होने के बाद, पास हो जाने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी, यानी कि महिलाओं की भागीदारी यहां पर बढ़ जाएगी। गणेश चतुर्थी के दिन नई संसद के आगाज के साथ महिला आरक्षण बिल को लोकसभा के पटल पर रखा गया। नए संसद भवन में सरकार ने दोपहर 2:12 पर महिला आरक्षण बिल पेश किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत सरकार ऐतिहासिक बिल ला रही है, वो करने जा रही है जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। सरकार ने इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया है। आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूप मानने की रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज वुमन डेवलपमेंट से वुमन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है देश। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि महिला आरक्षण कानून आने के बाद 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। कानून बनने पर लोकसभा में 181 महिला सांसद होंगी, विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और सबसे बड़ी बात, महिला आरक्षण बिल की अवधि 15 साल होगी, जिसे 15 साल बाद संसद बिल पर पुनर्विचार करके बढ़ाया जाएगा। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है, उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले नए संसद भवन में आज प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर बहुत बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें पवित्र काम के लिए चुना है। उन्होंने सदन से इस बिल को पास कराने की अपील की। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र के विकास में नई मंजिलों को पाने के महिलाओं के नेतृत्व पर हमें बल देना होगा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में हर जगह महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है। दुनिया समझ रही है कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात इनफ नहीं है, हमें मानव जाति की विकास यात्रा में उस नए पड़ाव को अगर प्राप्त करना है, राष्ट्र के विकास यात्रा में हमने नई मंजिलों को पाना है, तो यह आवश्यक है कि विमेन लेड डेवलपमेंट को हम बल दें और G20 में भारत की इस बात को विश्व ने स्वीकार किया है। महिला सशक्तिकरण की हमारी हर योजना ने महिला नेतृत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं। आर्थिक समावेश को ध्यान में रखते हुए जनधन योजना शुरू की, 50 करोड़ लाभार्थियों में से भी अधिकतम महिला बैंक अकाउंट के धारक बनी है। मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। कल महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की जाएगी। हालांकि इसे लेकर क्रेडिट लेने की होड़ अभी से लगी हुई है। कांग्रेस लगातार महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है।